नायब तहसीलदार परीक्षा के कोऑर्डिनेटर अशोक बघेल ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से नायब तहसीलदार के पदों के लिए 26 मई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से परीक्षा को पारदर्शी रूप से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर व सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में बस चलाने की बातचीत की गई है ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके और परीक्षा के उपरांत अपने गंतव्य तक वापस जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी की फोटोयुक्त पहचान पत्र से पहचान करने और तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। निर्धारित समय के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखिए, एक क्लास नायब तहसीलदार का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 26/5/2019 संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। हमारे जिला पलवल में हमारे इस कार्य के लिए हमारे बहुत ही आदरणीय डीसी साहब ने श्री जितेंद्र गर्ग एचसीएस जो एमडी शुगर मिल है हमारे, उनको नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मैं इसमें कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूँ और हमने अपने इस जिला पलवल में 34 सेंटर बनाए हैं एग्ज़ाम सेंटर। ये परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक है और इसमें 34 सेंटर्स हमारे लगभग सारे शहर और हाईवे पर हैं। लास्ट सेंटर हमारा इसमें सत्या कॉलेज जाके पड़ता है मित्रोल में, उससे पहले पहले हमारे सभी सेंटर्स हैं। हमने बहुत फुल प्रूफ इंतज़ाम कर दिए हैं। सीसीटीवी कैमराज की इंस्टॉलेशन की जा रही है, जैमर्स लगाए जा रहे हैं। 10 हमने हमारे बहुत ही सम्माननीय अधिकारी हमने लगाए हैं जो पेपर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेंगे, 10 उनके साथ, और हमारे पुलिस ऑफिशियल जिनकी पुलिस की ड्यूटी लगेगी वो भी हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और आदरणीय डीसी साहब या एमडी शुगर मिल एडीसी साहब और हमारे सभी अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। ये देखिए, जो हमारे पलवल जिले में 9,696 परीक्षार्थी अलॉट किए गए हैं इन 34 सेंटर्स पर, और बाहर से जो आदमी आएंगे उसके लिए हमने रोडवेज वालों से भी मिलके भी उनके, ताकि उनकी जो जो यात्रा है वो सुगम रहे दूसरे जिलों से, क्योंकि ये बच्चे आने हैं, उसके लिए भी हमने इंतजाम करवाए हैं। और परीक्षार्थी के लिए कंडीशंस वही हैं जो हमारे एच टेट में, ग्रुप डी में या कांस्टेबल परीक्षा में रहे हैं। किसी को भी घड़ी, कानों की बाली से लेकर कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। कोई गैजेट्स वगैरह कुछ भी उसमें नहीं होती है। जो एचपीएससी की नॉर्म्स, सभी को अब लगभग सभी पब्लिक को पता लग गया है कि क्या क्या इसमें नहीं ले जा सकते। केवल एडमिट कार्ड और उसके साथ एक आईडी प्रूफ इसमें अंदर ले जा सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ और अलाउड लेने के ले जाने के लिए आज्ञा नहीं है। परीक्षा ही केवल 2 घंटे की है तो इसमें इतनी ज़्यादा हमें समस्या नहीं आएगी।